मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। लेकिन अब जब सोचता हूँ तो लगता है मुझे कभी रुमा से प्यार था ही नहीं। सुमित्रा देवी ने कहा वो साबित कर सकती है कि विजय की शादी हो चुकी थी। कि सुमित्रा देवी और विजय ने सिर्फ रुपयों की खातिर प्रीति को अपने घर की जोड़ी बनाया। दीदी कौन है ये? मैं तो जानता तक नहीं था। वही जिसके बारे में सुमित्रा देवी ने हमें बताया था, विजय की पहली बीवी। जब तक वो लड़की वहाँ है तू वहाँ नहीं जाएगी। पुलिस से डरते हो क्या? अपनी बदनामी से डरता हूँ। मित्तल अंकल का फोन आया था, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। उनके आने से पहले हमें कुछ डिसाइड करना होगा मित्तल। लेकिन सुभाष जब तक मैं अपने डैड से बात ना कर लूं मैं कैसे कुछ डिसाइड कर सकती हूँ? अपने डैड से बाद में बात करना, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम अपना इरादा तो नहीं बदलोगी ना? मुझसे शादी करोगी ना? सुभाष तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अपने इरादे पर अटल रह पाओगे? क्या तुमने अपने बाबूजी से बात की है इस बारे में? सुभाष तुम पहले जाके बाबूजी से बात करो, अगर वो इस शादी के लिए राजी होगे तब जाके मैं अपने डैड से बात करूंगी। तुम बाबूजी से बात करोगे ना? चुप क्यों? बाबूजी से बात करने की हिम्मत नहीं है ना तुझमें? मुझे भी अपने डैड से डर लगता है। अमिता अगर हम ऐसे डरते रहेंगे तो बात कैसे कर पाएंगे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहा। मुझे रूमा से शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे अमिता, वरना कभी नहीं करूंगा। लेकिन ये सब कैसे होगा मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुभाष इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास। मैं राधा से बात करती हूँ, शायद वो हमारी मदद करते। कब बात करोगे तुम मुझसे? कल ही। देखो अमिता किसी भी तरह उन्हें मना लो प्लीज। एक दूसरे के बिना ना तुम जी पाओगी और ना मैं। सुभाष आया था, मुझसे पूछ रहा था कि मैं उससे शादी करूंगी या नहीं। तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, उसके पास हिम्मत ही नहीं है अपने बाबूजी के साथ बात करने की और मुझसे पूछता है। अमिता मेरी एक बात मानोगी? कहिए। बैठो। सुभाष अपने बाबूजी से नहीं पूछेगा क्योंकि वो डरता है कि वो इनकार कर देंगे। और तुम अपने डैडी से नहीं पूछ सकती क्योंकि तुम जानती हो कि वो इनकार कर देंगे। बेहतरी इसी में है कि तुम खुद इस रिश्ते को खत्म कर दो। क्या ये आप कह रही हैं? जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है, आप ही मुझे मशवरा दिया करती थी ना कि मैं ये करूं या वो, और आज आप ही नहीं चाहती कि मेरा सुभाष की शादी हो? नहीं अमिता,
मैं चाहती हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम उसी से शादी करो जिससे तुम प्यार करती हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये मुमकिन नहीं है और तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि तुम अपने डैडी का दिल नहीं दुखा सकती और उनकी मर्जी के खिलाफ तुम शादी भी नहीं कर सकती। आप मनाएंगी उन्हें? मेरा मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज जाके डैड से कह दीजिए कि मैं सुभाष को बहुत चाहती हूँ, प्लीज। उम्मीद बहुत कम है बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। नहीं, उम्मीद है इसलिए आप कोशिश करेंगे। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में कितनी तब्दीली आ गई है। वो कैसे? एक इंसान की जिंदगी में कई घटनाएं होती हैं जो वो किसी अपने के साथ बांटना चाहता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां, गम, किसी अपने को सुनाना चाहता है, पर मैं नहीं सुना पाता था। अब तुम्हारा साथ मिल गया है तो मैं दिल की हर बात कर सकता हूँ तुमसे। अब भी कहाँ करते हो? अब भी सोचते रहते हो, फिक्र करते रहते हो? फिक्र तो सिर्फ एक ही बात की है, अमिता की शादी। उसकी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। फिलहाल तो आप उसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अमिता अब भी सुभाष को चाहती है, वो किसी और से शादी नहीं करेगी। कितनी नादान है ये लड़की, इतने दुख झेलने के बाद भी उसे शादी करना चाहती है। कब का उसे तुमसे ये कहने की क्या जरूरत है? क्या मैं जानती हूँ? तुमने इस वक्त जिक्र छेड़ा, जरूर कोई वजह होगी। अमिता ने कुछ कहा होगा। अमिता, अमिता, आप हम क्या इतना परेशान हो रहे? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो पूछने में क्या हर्ज है? अमिता जी, डैड। तुमने राधा से ये कहा कि अगर तुम्हारी शादी सुभाष के साथ नहीं होगी तो तुम किसी और के साथ शादी नहीं करोगी? नहीं डैड, एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अमिता सिर्फ इतना कहना चाहती थी। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं इसे पूछ रहा हूँ, क्या बोला तुमने? सुभाष यहाँ मुझसे मिलने आया था, वो ये पूछने आया था कि मैं उससे शादी करूंगी या नहीं। वो तुमसे यहाँ मिलने नहीं आएगा और तुम उससे नहीं मिलोगी। बहुत हो जाएगा ये नाटक तुम्हारा। तुम्हारी शादी उसके साथ हरगिज नहीं होगी। अगर चौधरी भी यहाँ आएगा ना और तुम्हारे रिश्ते की भीख मांगेगा तब भी नहीं। Do you understand? यहाँ यानी कहाँ? इस कमरे में या इस घर में? तुम्हारे इसी सवाल का जवाब देने आई। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए मुझे। मुझे जो कुछ भी पूछना है मैं विजय से पूछ लूंगा। वो तो अपने हर जवाब में यही कह चुके हैं कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं, और यही कहते रहेंगे। मगर सच तो ये है कि उन्होंने मुझे भी धोखा दिया है और तुम्हें भी। मैं ये नहीं जानती कि किसने किसे धोखा दिया है।
लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि झूठ और सच की कश्मकश में मैं पीसी जा रही हूँ। और मैं इतने साल अकेले गुजार कर जो दुख मैंने उठाए हैं वो देखो, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, हमदर्दी है तुमसे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। अगर मैं इस घर से गई तो सिर्फ तुम्हारी खातिर जाऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। पुराने रीति रिवाजों की जिस तरह से मैं शिकार हुई हूँ वो समझना होगा तुम्हें। क्या मतलब? मैं 5 साल की थी जब मेरा इनसे ब्याह हुआ। राजस्थान की प्रथा है ना समझ बच्चों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। ऐसा अटूट बंधन जिसे इंसान चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। मेरी किस्मत में सिर्फ इंतजार के और कुछ नहीं लिखा था, बस यही दिलासे सुनती हूँ कि एक दिन वो आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बहुत कोशिशें की मगर इनका कुछ अता पता नहीं मिला। भला हो सुमित्रा देवी का जिन्होंने मुझे बताया कि ये कहाँ है। मुझे अपने पति पर विश्वास है, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? पवित्र गीता पर तो विश्वास है ना तुम्हें? मैं गीता की कसम खाकर कह सकती हूँ मैं उनकी पत्नी हूँ। विजय मेरे पति हैं। और अगर इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। बाबू आओ बैठो। तुम यहाँ क्यों बैठे? बिना इजाजत मेरे केबिन में कैसे घुसा है? या कौन किसकी इजाजत देता विजय बाबू? विशाखा तुम्हारे घर में आई थी तो तुमसे पूछा था क्या? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इस तरह मेरे केबिन में आकर बैठने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं विशाखा की बात कर रहा हूँ, उसे अपने घर से दफा किया कि नहीं अभी तक? वो अब तक नहीं। क्यों? उसे निकालने का इरादा नहीं है क्या? कल तो मैं पुरुषोत्तम के साथ आया था, आज अकेला आया हूं। सच सच बताओ माजरा क्या है? सच था, वो मैं बता चुका हूं। मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूं, अब भी बता दो सच्चाई क्या है, क्योंकि अगर सुमित्रा देवी जो दावा कर रही है वो सच निकला तो फिर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं भला क्यों पछताऊं? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। छुपाना भी एक गुनाह है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देने आया था, ये मत समझना मैं सच्चाई का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर पता कर सकते हो तो कर लो, मैंने कब रोका है? जब कोई इंसान सच्चाई का बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना विजय बाबू, तो अक्सर झूठ बोलता है। बहुत परेशान हो ना विशाखा के आने से, उसे तुम्हारे घर से निकालने का बंदोबस्त मैं करूं। विशाखा, 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 ये सब डामेबाजी रहने दो और यहां से जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हारी वापसी के टिकट बुक करवा कर आया हूं, कुछ रुपया वगैरह चाहिए तो मुझसे ले लो। मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम यहां से नहीं जाओगी तो पुलिस आकर तुम्हें ले जाएगी। प्रीति के बाबूजी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी है, हवालात में बंद करवा देंगे तुम्हें।
बेशक करवा दे। आपके होने में मुझे किस बात का डर? आप मेरे पति, रक्षा करेंगे मेरी। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, समझे तुम? विशाखा नाम की कोई लड़की यहाँ रहती है? बुलाइए उन्हें, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए, पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस आई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं तुमसे। मैं अकेली नहीं हूँ, वो तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं, मुझसे नहीं। आप मुझे उनके हवाले कर देंगे और खुद घर पर बैठे रहेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम विशाखा है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। ये मेरे पति है, अगर ये मेरे साथ नहीं आए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो करना हो कर लीजिए। चलिए, तुम यहां क्या कर रही हो? सुभाष, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए यहां चली आई। जल्दी से कहो, माँ मार्केट गई है, किसी भी वक्त आ सकती है। सुभाष, डैड ने साफ कह दिया है कि वो हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुमसे मिलने से भी मना किया है। तुमने माँ और बाबूजी से बात की? जब हमारी शादी हो सकती थी तब शादी कर लेते, लेकिन उस वक्त हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। तब तो देशमुख अंकल भी हमारे साथ थे और आज वही हमारे खिलाफ। समझ नहीं आता क्या करें। सुभाष, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमें भी वही कर लेना चाहिए जो प्रीति ने किया। हमें भी घर छोड़ के चले जाना चाहिए। प्रीति अपनी पसंद से शादी नहीं कर पाए, एटलीस्ट हम तो कर सकते हैं। अमिता, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तब हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो मां और बाबूजी बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे ही घर में सब इतने परेशान हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? प्रीति के घर एक लड़की आ पहुंची है, कहती है कि वो विजय मानसिंगा की पहली बीवी है। What? सुभाष, सुभाष, तुम प्रीति की बचपन की सहेली हो, एक बार उससे मिल लो। सुभाष, मैं वहां आ ही जाऊंगी। नमस्ते चाची जी। देशमुख अंकल हमारी शादी के खिलाफ है। अरे तो कितनी शादियां करेगा? प्रीमा के साथ तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही है और अमिता के साथ तू शादी के सपने देख रहा है। माँ, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं रूमा से शादी नहीं करूँगा, और कितनी बार ये बात कहूँ आपसे? हजार बार कहेगा फिर भी तेरी शादी अमिता के साथ कभी नहीं होगी। तेरे बाबू जी समझ रहे थे कि उनके समझाने का कुछ तो असर हुआ होगा तुझ पर। मैं भी समझती थी कि कुछ तो असर आई होगी, जैसा कि वैसा ही। देख सुभाष, अगर तू यही जीत पकड़ कर बैठेगा तो एक दिन ये घर तबाह हो जाएगा।
इसका क्या मतलब है कि अगर मैं अमिता से शादी करता हूँ तो ये घर बर्बाद होता है? हाँ, तुम्हारे बाबूजी तुम लोगों के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं उसका अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। प्रीति, सुभाष ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, क्या ये सब कुछ सच है? विजय की पहले शादी हो चुकी है? पता नहीं अमिता, किस पर भरोसा करूं, किसका मशवरा लूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विजय क्या कहती है? वो इनकार करते हैं। अमिता, आज जब पुलिस यहाँ पूछताछ के लिए आई थी तो ये भी विशाखा के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। अगर इनका कोई संबंध नहीं है विशाखा से तो फिर ये क्यों चले गए उसके साथ? मैं हर बार अपनी शिकायतें लेकर बाबूजी के पास तो नहीं जा सकती, किससे कहूं मैं अपने दिल की बात, किससे पूछूं कि सच क्या है और झूठ क्या है? अमिता, मैं प्रीति, देखो आप इसे यहां वापस क्यों ले आए? तो क्या करता मैं, वही पुलिस स्टेशन में छोड़ा था इसे। पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके बिना पे पुलिस ने विशाखा को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन विजय से जमानत पे छुड़ा लाया। जमानत पे छुड़ा लाया क्यों? ऐसे अनगिनत सवाल पूछो तुम जिनका हाल हमें ढूंढना होगा। अगर विजय विशाखा का पति नहीं है तो इतनी हमदर्दी क्यों उसे उसके साथ? आखिर पुलिस की कार्रवाई से रोकी क्यों? क्या रिश्ता उसका उस लड़की के साथ? मित्तल का फोन आया था, वो बहुत जल्द अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचने वाला है। सुभाष और उमा की शादी से पहले इस समस्या को सुलझाना होगा बड़े भैया। मेरा एक सुझाव है पुरुषोत्तम, मैं जयपुर जाके इस मामले का पता लगाता हूँ। पता तो चले कौन शूट बोल रहा है। हाँ, यही करना पड़ेगा। इस बोझ का सिर से उतरना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। आप फौरन चले जाइए। आज ही रवाना हो जाता। हेलो, क्या हाल है भाई पुरुषोत्तम? मित्तल बोल रहा हूँ। अरे कमाल है, अभी अभी तो मैं तुम्हें याद कर रहा था। देख लो, तुमने याद किया और हम तुम्हारी रियासत में पहुंच गए। तुम्हारे शहर से ही बोल रहा हूँ। कब पहुंचे? बस आप तो भाई आए। दरअसल इरादा तो ये था कि 3-4 हफ्ते के बाद आए, लेकिन बिटिया की फरमाइश हुई कि शादी की सारी शॉपिंग यहीं से करनी है, सोचा चलो इसी बात में अपन भी चलते हैं। तो शाम को मुलाकात होती है? हाँ हाँ, आज शाम को मिलते हैं। हाँ, ओके बाय। अमिता, समझने की कोशिश करो, मित्तल अंकल आ पहुंचे, हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। अब किसी से कोई परमिशन लेने का वक्त नहीं बचा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता?
किसी की मर्जी हो या ना हो, हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं। हम घर से भाग कर शादी करेंगे। नहीं सुभाष, मैं इस तरह अपने डैड को धोखा नहीं दे सकती। अमिता, एक बार शादी हो जाएगी, हम माफी मांगकर सबको मना लेंगे। सुभाष, शादी होगी या नहीं होगी ये किसने देखा है? प्रीति के साथ क्या हुआ? वो भी तो घर छोड़कर गई थी। क्या उसकी शादी हो पाई दिनेश के साथ? नहीं ना, और तुम ही तो गए थे उसे लेने के लिए, और आज तुम ही मुझसे कह रहे हो कि घर छोड़कर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं? नहीं सुभाष, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अमिता, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी शादी भी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि ये हमारा कदम गलत होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है? लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा?